हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान हितैषी और किसानों के पक्ष में एक के बाद एक अनेकों फैसले लिए जा रहे हैं। आज ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है और कई फसलों में यह बढ़ोतरी 62% तक है। यह खरीफ की फसल जिसमें मुख्य रूप से धान तो है ही लेकिन दलहन और तिलहन भी शामिल है। अभी हमें दलहन का आयात करना पड़ता है लेकिन इन फसलों पर चाहे वो अरहर हो, ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, मूंग उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल हो चाहे कपास हो या धान, इनका समर्थन मूल्य बढ़ाने से एक तरफ किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा, उनकी पसीने की सही कीमत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ फसलों के विविधीकरण को भी बल मिलेगा, विशेषकर दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने का भी किसान प्रयास करेंगे जो देश के हित में है। और इन सब फैसलों के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं।